Hello everyone, welcome back to channel. As I promised in last video that we will back again with another video with different concept. So with promise, I am back with different concept. So today we are going to learn in how many way we can represent a natural number in different of two perfect square, that is a square minus b square equal to n. Okay, and this is a very important topic. In 2019, there was a one direct question from this topic, but in algebra, you will find the frequent use of this topic. Okay, so इसीलिए हम इस topic का direct approach सीखेंगे, long approach नहीं सीखेंगे, because इसका इतना uses होता है algebra में, जब number of solution find out करने के लिए बोला जाता है, तो इसीलिए हम इसका direct approach सीखेंगे. Okay. इसके टोटल 5 केसेस हैं, हम केस वाइज डील करेंगे इस टॉपिक को. टोटल 5 केसेस हैं, ठीक है. बहुत आसान टॉपिक है, अगर आप इसको आप समझ लिए तो जो क्वेश्चन 2019 में आए थे उसको आप हार्डली कितना 10 सेकंड में नेल कर दोगे, ठीक है. पर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, मॉक में तो डेफिनेटली आता ही है, अगर कैट में आ गया 10 मिनट में 3 नंबर, मतलब बहुत आगे निकल जाओगे आप दूसरे से, ठीक है. तो चलो इसका हम डायरेक्ट अप्रोच सीखते हैं. तो मेरा केस वन रहेगा वो क्या रहेगा, जैसे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एन, ठीक है. ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगा जो जिसका हम पॉजिटिव सॉल्यूशन और टोटल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का सीखेंगे. हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गया कि जो 2019 में आया था वो पॉजिटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आया था. एंड वन थिंग गाइज, आई रिक्वेस्ट टू यू, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल. यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब, आई नीड सम मोटिवेशन. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. सो मेरा केस वन ये रहेगा, वेन एन इज मल्टीपल ऑफ 4 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर. मतलब n का वैल्यू 4 का मल्टीपल है, टेक एग्जांपल लाइक 12, 8, 20, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मींस 4 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, 64 नहीं हो सकता, 100 नहीं हो सकता, मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है. तो पहले हम इसका मतलब इस कंडीशन के लिए हम अप्रोच सीखेंगे. ओके, सो हम एग्जांपल की हेल्प से सीखते हैं अप्रोच इसका. सो लेट्स सपोज कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 20 है, छोटा नंबर. ओके, सो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब भी ये जो एन है वो 4 का मल्टीपल होता है ना, उसको हम स्ट्रेट अवे 4 से डिवाइड करते हैं. मेरा फर्स्ट स्टेप ये होता है, जब भी कभी आप देखो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 का मल्टीपल है, उसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड करो. अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो, अगर परफेक्ट स्क्वायर भी रहेगा तब भी आप उसको सीधा 4 से डिवाइड करना. ओके, मतलब एक पॉइंट हमेशा याद रख लो कि चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, जब n 4 का मल्टीपल हो, फर्स्ट स्टेप की उसको 4 से डिवाइड करो, ठीक है. सो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, 4 से मैंने डिवाइड कर लिया इक्वल टू 5. सेकेंड स्टेप ये होगा कि ये जो नंबर आया डिवाइड करने के बाद, जो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिविडेंड ना, यार मैं बोल रहा हूँ क्या होगा, नंबर क्वेश्चन ये हो गया, अच्छा क्वेश्चन होगा ना, सॉरी क्वेश्चन क्वेश्चन, ये जो एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसका हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे. नंबर ऑफ फैक्टर तो पता होगा आपको नंबर सिस्टम में, लेकिन ये छोटा नंबर है तो हमको पता है 1 और 5 है, इसका 2 फैक्टर है. ओके, अब मेरा ये मेरा 2 अप्रोच हो गया, ठीक है. थर्ड अगर हम बोले तो, अगर हमको पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालना है, अगर हम पॉजिटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सिंपल क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ फैक्टर है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे. सो हेयर 2/2 इक्वल टू 1, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 20 का एक पॉजिटिव सॉल्यूशन आया. ओके, दिस इज थर्ड स्टेप. अगर बाय द वे हमको अगर टोटल सॉल्यूशन पूछा है फाइंड आउट करने के लिए, टोटल सॉल्यूशन,
तो सिंपली हम क्या करेंगे कि जो पॉजिटिव सॉल्यूशन है, जो पॉजिटिव जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन आए हैं उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मतलब 1 × 4 = 4। सो टोटल सॉल्यूशन मेरा 4 हो गया और पॉजिटिव सॉल्यूशन मेरा 1 हो गया। ठीक है, सो ये सिंपल अप्रोच है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जब नंबर 4 का मल्टीपल हो डायरेक्ट उसको 4 से डिवाइड किए। सेकेंड स्टेप में जो क्वोशेंट आया उसका हम नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिए। थर्ड में हम, अगर हमको पॉजिटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आया उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, वो मेरा पॉजिटिव सॉल्यूशन आ गया। अब हमको अगर टोटल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो जो मेरा पॉजिटिव सॉल्यूशन है उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मेरा टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, अदरवाइज बढ़ते हैं केस 2 पे। सो केस 2 मेरा क्या है, वेन एन जो है वो 4 का मल्टीपल है, मतलब एन जो है वो 4 का मल्टीपल है। लेट सपोज कि एन 4, चलो लिख ही देता हूं। एन जो है, एन इज मल्टीपल ऑफ 4 और वो परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, 4 का मल्टीपल है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, चलो अब इसका समझते हैं एग्जांपल से। ये जो एन का वैल्यू है मैंने क्या ले लिया, 16 ले लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 16। ओके, तो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया था कि जब भी एन अगर 4 का मल्टीपल हो, वेदर इट इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, स्ट्रेट अवे हम उस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। 16 / 4 = 4। सेकेंड स्टेप क्या, नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। 4 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 3d, 1, 2, 3, 4, 3 हो गया ना, 3 इसका नंबर ऑफ फैक्टर हो गया, नंबर ऑफ FACTOR फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर 3 हो गया। अब हमको इसका पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर -1/2। ठीक है, ये माइनस क्यों हुआ, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं नंबर, उस परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होते हैं उनका जो फैक्टर होता है वो ऑलवेज ऑड नंबर आता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ये माइंड में मतलब जो भी करके है डाल लो, बिकॉज इस पे मॉक में भी क्वेश्चन आते हैं और कैट में भी एक बार आ चुका है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, नंबर जब परफेक्ट स्क्वायर है सो उसका नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा ऑड होंगे। ओके, सो इसलिए हम यहाँ पे जब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आता है इसलिए हम इसको 1 से सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो हियर इज 3 - 1/2, सो 2/2 = 1। ओके, सो मेरा पॉजिटिव सॉल्यूशन क्या हो गया, 1। ठीक है, यहाँ तक तो सिमिलर है जो मैंने लास्ट, ये मेरा केस था, यहाँ तक तो सिमिलर है सेकंड केस में भी, लेकिन जो टोटल सॉल्यूशन है वहां पे एक कैच है, वहां पे एक चेंज है। तो जो मेरा टोटल सॉल्यूशन होगा ना, टोटल सॉल्यूशन वो ये जो पॉजिटिव सॉल्यूशन आया उसमें हम 4 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम इसमें 2 का एडिशन करते हैं। अब 2 का एडिशन क्यों होता है ये लॉन्ग अप्रोच में समझ में आएगा, लेकिन हम यहाँ लॉन्ग अप्रोच नहीं बताएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। फिर मुझे स्टार्टिंग से बहुत सारा पॉइंट बताना पड़ेगा तब जाके ये समझ में आएगा। अब सीधा याद रखो कि जब भी कभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ना, बस एक बात याद रखना, जब भी कभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो अगर उसको हमको टोटल सॉल्यूशन निकालना है तो उसमें हम जितना 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 × 4 + 2 = 6। तो टोटल सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें हम +2 का एडिशन करते हैं।
ठीक है, आगे भी हम पढ़ेंगे वहां पे जब एन जो है वो ऑड नंबर है बट वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो वहां भी जब परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो वहां भी हम टू का एडिशन करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? ओके चलो बढ़ते हैं थर्ड केस पे। तो केस थर्ड बहुत इजी है। केस तीसरा क्या है कि जब एन जो है ना वो मल्टीपल है 4k+2 या फिर एन का वैल्यू जो इन द फॉर्म ऑफ 4k+2 का है, तो इसका सीधा याद रखो कि जब भी एन जो है वो 4k+2 का है तो वहां पे नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बस इतना याद रखो कि एन जब भी 4k+2 का है, मतलब a²-b²=n, ये एन 4k+2 का है तो स्ट्रेट अवे इसका नो सॉल्यूशन आंसर होता है। अब ये नो सॉल्यूशन होता क्यों है मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे देता हूँ। जैसे लेट सपोज a²-b²=6 हुआ, ठीक है, 6 का फैक्टर क्या हुआ 1, 2, 3, 6। ओके, मतलब इसको हम 1 × 6 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं, 6 × 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरा a²-b² को a-b × a+b भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे ना, मतलब a-b को अगर लेट सपोज 1 ले लिया, a+ को हमने 6 ले लिया, तो ये परफेक्ट परफेक्ट नंबर नहीं आता, मतलब नेचुरल नंबर नहीं आता। जैसे 6+1 क्या होगा 7 होगा, तो ये क्या फ्रैक्शन में आ जाएगा। 3+2 5 होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये भी फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये भी फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसीलिए ना जब भी एन जो हो वो 4k+2 का है तो उसका डायरेक्ट नो सॉल्यूशन होता है। ओके क्लियर है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट केस पे। और इस टाइप के भी ना क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का भी ये एन का वैल्यू आपको मॉक में देखने को मिल जाएगा। अगर आप CL, IMS या और भी किसी का मॉक दे रहे हो, आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन एक मिल जाए। ठीक है, चलो केस फोर देखते हैं। सो मेरा केस फोर ये है कि नंबर जो है ना, मतलब एन जो है, एक सेकेंड, जो एन है वो क्या है ऑड नंबर है। ओके, मतलब जो एन है वो ऑड नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, मतलब नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, एन जो है वो ऑड नंबर है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके चलो एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ऑड नंबर क्या ले सकते हैं, 7 ले लो, 9 तो ले नहीं सकते, परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो 7 लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये तो मल्टीपल 4 का नहीं है, तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट कर रहे थे ना डिवाइड बाय 4, ये करेंगे ही नहीं, डायरेक्ट हम सेकेंड स्टेप पे आएंगे। क्या नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, सेकेंड स्टेप मेरा तो यही ना है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। नंबर ऑफ, तो 7 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव सॉल्यूशन के लिए क्या करते थे हम लोग, नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2, 2/2 = 1, सो हियर द पॉजिटिव सॉल्यूशन वी विल गेट 1। ठीक है, बहुत इजी है, मतलब सारे प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा समझना है कि जब वो 4 का मल्टीपल नहीं है बस डिवाइड नहीं करना है हमको, बाकी सेम है। अगर हमको टोटल सॉल्यूशन निकालना हो तो क्या करेंगे यहाँ पे, 1 × 4 = 4, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 से। अब देखो फर्स्ट केस और फोर्थ केस देखो तो सिमिलरिटी है, बस एक ही फर्स्ट स्टेप हमको नहीं करना है जो 4 से डिविजिबल है, बाद बाकी पूरा सेम है। ठीक है, तो ये अपना रहा फोर्थ केस, जो नंबर हो वो ऑड नंबर हो, मतलब एन का वैल्यू ऑड है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है ये? चलो लास्ट केस समझते हैं, केस 5 जो है, जो एन का वैल्यू है वो क्या है ऑड है बट वो परफेक्ट स्क्वायर है। एन जो है वो ऑड है बट वो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब जो मेरा केस 2 था वहां पे क्या था, एन 4 का मल्टीपल था परफेक्ट स्क्वायर था, मतलब 4 का मल्टीपल हुआ तो इवन ही हो गया ना। और यहाँ पे केस है कि एन ऑड है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो मैंने केस 2 किया था सेम केस 5 होगा, बट एक जो फर्स्ट स्टेप है
हम उसको नहीं करने वाले हैं, मतलब फोर से डिवाइड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलो इसको हम सिक्स समझते हैं एग्जाम्पल से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू नाइन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप हम नहीं करेंगे, जो डिवाइड बाई फोर नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेकेंड स्टेप पे आएंगे, क्या टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर और टोटल फैक्टर से क्या हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर मतलब थ्री प्लस वन, टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये नंबर सिस्टम में तो आपने सीखा ही होगा ना। तो ये मेरा परफेक्ट टोटल फैक्टर हो गया थ्री। पॉजिटिव सॉल्यूशन के लिए, पॉजिटिव सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया था कि जो नंबर ऑफ फैक्टर आए हैं, जो नंबर ऑफ फैक्टर है उसमें से हम वन सब्सट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड दो से कर लेंगे। तो थ्री माइनस वन बाई टू इक्वल टू कितना हो गया, टू टू वन, टू वन हो गया। अब हमको इसका पॉजिटिव टोटल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला, उसे टोटल सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो मैंने क्या बताया था कि जितना पॉजिटिव सॉल्यूशन है उसमें हम फोर से मल्टीपल करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसमें दो का एडिशन करेंगे, ठीक है। तो जब याद रखना कि जब भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, वेदर इट इज मल्टीपल बाई फोर और नॉट, वी हैव टू एड टू, ऑलवेज वी हैव टू एड टू, इतना याद रखना, ओके। पॉजिटिव सॉल्यूशन कितना है, वन इंटू फोर प्लस टू इक्वल टू सिक्स, तो द टोटल सॉल्यूशन इज सिक्स, ओके। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो अब लास्ट में हम जो 2019 का क्वेश्चन आया था उसको हम सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं, हाउ मेनी पेयर ऑफ पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स एम एन सेटिस्फाई द इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 105 इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे बस समझना था हमको, ये तो डायरेक्ट नहीं दिया था ना, मतलब जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वन, बट हम इसको समझना था कि हाँ ये इक्वेशन तो यही है, बस इसको हम तो इधर अगर लेके चले आए तो ये तो वही बन रहा है ना। तो यहाँ पे एक सिंपली सा उन्होंने कैच डाल दिया था, ओके। चलो सॉल्व करते हैं। तो मेरा फर्स्ट अप्रोच क्या होगा, एन माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 105 कर लिया। देखो ये नंबर को हम समझते हैं, फोर का मल्टीपल तो है नहीं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, मतलब ये ऑड है, ऑड नंबर है, जो केस मेरा कौन सा है, केस फोर वाला हुआ ना, कि नंबर ऑड है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवाइड तो हम कर नहीं सकते, फर्स्ट स्टेप होगा कि हम डायरेक्ट इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालें, नंबर ऑफ फैक्टर निकाले, सो 105 को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, ये 3 हो गया इंटू 5 इंटू 7, ओके 15 7 105, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया 8, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालना है, पॉजिटिव सॉल्यूशन ही निकालना है ना। तो पॉजिटिव सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था, जो नंबर ऑफ फैक्टर है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 8 बाई 2 इक्वल टू 4। आंसर कितना सेकेंड लगा बताओ, 15 सेकेंड, बहुत है 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में 3 मार्क्स, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे टाइप का टॉपिक ना करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इतने डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे फॉर्म होते हैं ना, मतलब वेरिएशन क्या ही इस पे आप क्रिएट कर सकते, वेराइटी, जैसे अर्थमेटिक में आप, अर्थमेटिक में है कि आप बहुत वेराइटी बनाया जा सकता है, मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, बट अगर लेट्स सपोज की एग्जामिनर ने ये ठान लिया कि मुझे इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एक बनाना है, तो इस पे क्या ही वैरायटी वो क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो इसीलिए ना इस, मतलब जो इस टाइप का टॉपिक है ना उसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इफ यू वांट टू स्कोर गुड। अगर आपको 80 85 चाहिए तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको स्कोर गुड करना है तो ये टाइप का क्वेश्चन सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट करता है। 10 सेकेंड में अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे, देन जो अर्थमेटिक के जो थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं, जो 2 ढाई मिनट लगते हैं, तभी जाके वहां पे आप टाइम दे पाओगे ना, अदरवाइज आपको टाइम ही नहीं मिलेगा वो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर
फिर आप कैसे हाई परसेंटाइल टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। कर दो यार सब्सक्राइब।